कालचिनी बीडीओ कार्यालय में स्कूल खोलिने विषय में स्कूल शिक्षक लिएर गरियो सभा आयोजन। स्कूल को सैनिटाइजेशन अनि स्कूल परिसर को सफाई 12 नोवेम्बर भित्र गरिनुपर्ने दिए निर्देश। बीडीओ प्रशांत बर्मन ने छठ पूजा लिएर कालचिनी खंड को ग्राम पंचायत प्रधानहरुलाई दिएर गरे बैठक। आगामी 16 नोवेम्बर देखि राज्य भित्र को संपूर्ण स्कूल में कक्षा 9 देखि 12 सम्म खोलिने कलेज प्रतिष्ठान खोलिने राज्य सरकार को निर्णय ध्यान में राख्ते आज बुधवार कालचिनी बीडीओ कार्यालय में स्कूल का शिक्षक लिएर एउटा जरूरी बैठक संपन्न भयो। उक्त बैठक में कालचिनी बीडीओ प्रशांत बर्मन लगायत कालचिनी पंचायत समिति को चेयरमैन अरुणा परियर पंचायत समिति को एससीओ अपूर्व राय को उपस्थिति में बैठक शुरू भएको थियो। बैठक में मुख्यमंत्री को घोषणा अनुरूप 16 अक्टोबर को दिनदेखि स्कूल खोलिने भएकोले संपूर्ण कोविड प्रोटोकललाई पालन गर्दै शिक्षकहरूले स्कूल को सरसफाई साथ सैनिटाइजेशन करने कार्य संबंध में वीडियो को प्रशांत बर्मन ने शिक्षक जनाए। स्कूल खोलना अगि आगामी 12 नोवेम्बर भित्र स्कूल सब सैनिटाइजेशन एवं स्कूल परिसर को सफाई गरिनुपर्ने शिक्षक दिए निर्देश। यसअघि बीडीओ प्रशांत बर्मन ने आउँदो छठ पूजा विषय लिएर कालचिनी खंड को ग्राम पंचायत प्रधानहरूलाई लिएर बैठक गरिएको जसमा छठ घाटहरूको सरसफाई बारे में प्रत्येक प्रधानहरूलाई निर्देश दिएका छन्। प्रथम धापे जो मीटिंग छिलो आमादेर माने कालचिनी ब्लकेर अल लाइन डिपार्टमेंट और आमादेर लाइन डिपार्टमेंट के पुरस्कार बोले देवा हलो एवं आमादेर जो छठ पूजार जो नियमावली आछे एवं घाट थेके शुरू करे सेई मीटिंगे प्रधानरा प्रेजेंट छिलेन। प्रत्येकटा ग्राम पंचायते जेखाने छठ पुजो हबे काली पुजो हबे एवं जगदत्री पुजो हबे आमादेर जेनो कोथाओ ल एंड अर्डार ब्रेक ना हय एवं जे जे लाइन डिपार्टमेंटे जा जा काज সেটা একদম দায়িত্ব সহকারে দেখার জন্য আমরা সেই মিটিং করেছি এবং কোথাও যেন খামতি না রাখি এই জন্য সেই মিটিং আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম। এবং সেকেন্ড হাফে আমাদের অনারেবল সিএম ম্যাডাম উত্তরকন্যা থেকে আমাদের ঘোষণা করেছিলেন যে 16 তারিখ থেকে আমাদের স্কুলগুলো চালু হচ্ছে। তাই কালচিনিগুলোকে যে 9, 10, 11, 12 এবং আমাদের কলেজ রয়েছে সেই কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিচার থেকে শুরু করে এবং সেখানকার মাস্টারমশাই রিপ্রেজেন্টেটিভ যাদেরকে পাঠিয়েছি আমরা সবার সঙ্গে মিটিং করেছি। স্কুল খোলার জন্য কোভিড পরিস্থিতিকে মানে প্রতিরোধ করে যা প্রোটোকল রয়েছে সেই ব্যবস্থা আমরা করার জন্য মিটিং করেছি এবং মাস্টারমশাইরা সেই এগ্রি হয়েছে। আমরা আশা রাখছি যে আমাদের কালচিনিগুলোকে কোনো রকম খামতি থাকবে না, কোভিডকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখে আমরা স্কুল চালু করব এবং এখানে কোনো রকম কোভিড সংক্রমণ দেখা যাবে না এটুকু আশা রাখছি।